टाइम एज की खास रिपोर्ट। जानिए सुलोचना रावत का भाजपा में जाने के पीछे का सच। कांग्रेस के सचिन सिंह वर्मा ने बताई हकीकत। सचिन सिंह वर्मा ने किया खुलासा। हर ताजा और सच्ची खबर सिर्फ टाइम एज मध्य प्रदेश पर। नमस्कार, टाइम एज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के सचिन सिंह वर्मा। आइए हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हुए बड़े फेरबदल के पीछे क्या मुख्य कारण है। सबसे पहले टाइम एट परिवार में आपका स्वागत है सर। सर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ता पार्टी से संतुष्ट नहीं है, क्या इसका कारण है? मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेता हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी को अपने बाहुबल अपनी भुजाओं पर अब विश्वास रहा नहीं। आप देखिए, मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल आधे लोग कम से कम कांग्रेस के उसमें मंत्री हैं। अब सुलोचना रावत और उसका बेटा विशाल रावत गए। असल में हमने विशाल रावत को टिकट दी थी विधानसभा की, बुरी तरीके से हारे। विशाल रावत हारे क्योंकि एक अच्छा जमा हुआ परिवार था ये। सुलोचना के ससुर कई बार विधायक रहे, सुलोचना 3 बार विधायक रही। अब विशाल को उन्होंने कहा कि विशाल को दे दो। ये उस गहराई को नाप नहीं पाए कि राजनीति और समाज सेवा इतना आसान रास्ता नहीं है। ये फेल हो गए वहाँ। भाई हमने तो टिकट दिया ना, अब उनको लगा कि अभी कांग्रेस फिर टिकट दे देगी, हम जीत पाएंगे नहीं तो हमारी तो पोल खुल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो हम, जबकि उसका नाम सर्वे में था, पीछे था, सर्वे में बहुत पीछे है, पर उनको एलिगेशन लगा वो कांग्रेस टिकट नहीं दे रही थी, हम इसलिए बीजेपी में आ गए। तो हमारे यहाँ कोई वो स्थिति नहीं है खुद के अस्तित्व की रक्षा के लिए कि पोल ना खुल जाएगी, कांग्रेस फिर टिकट देगी, हम फिर हारेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इसलिए वो चले गए बीजेपी। आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी तीनों विधानसभा को लेकर, कांग्रेस क्या रणनीतियाँ? नहीं, हमारी तीनों विधानसभा और खंडवा लोकसभा हमारी रणनीति बन चुकी है। 4 महीने से हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी, हमारे ऑब्जर्वर जो हमने ड्यूटी लगाई है, 4-4 बार हर विधानसभा की मीटिंगें कार्यकर्ताओं की हो चुकी है। हमने मंडलम बना लिए, सेक्टर बना लिए, माइक्रो लेवल तक हमने बूथ कमेटियों का भी निर्माण कर लिया। तो हमारी तैयारी दमों, जो चुनाव हम जीते थे जिस पैटर्न पे हम दमों लड़े उसी पैटर्न में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी। धन्यवाद, आपने सुना सज्जन सिंह वर्मा जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की आने वाली तीनों विधानसभा सीटों को लेकर क्या रणनीति रहेगी। देखते रहिए टाइम एज मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।